जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉक में। आपका बार बार एक ही कमेंट आ रहा है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल का रिजल्ट, सीआरपीएफ एससीएम का रिजल्ट और सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट क्यों नहीं आया है, कब आने वाला है। तो आपको बता दूं कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल और सीआरपीएफ एससीएम, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो भी वैकेंसी निकलती है, ये कैलेंडर बेस्ड वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो भी एसएससी जीडी के द्वारा जो वैकेंसी निकलती है वो कैलेंडर बेस्ड वैकेंसी होती है। इसलिए उसका पहले से ही निर्धारित किया जाता है कि आपका एग्जाम कब होगा, रिटर्न कब होगा, फिजिकल कब होगा और रिजल्ट कब आएगा। लेकिन जो सीआरपीएफ जो एग्जाम आपका जो कराती है या जो भी फिजिकल इवेंट कराती है, उसका अभी आपका कोई भी कैलेंडर जारी नहीं करता है। वो ऑटोमेटिक एकाएक करके आपको रिजल्ट या जो भी आपका एडमिट कार्ड आता है दो चार दिन पहले साइट पे अपलोड किया जाता है। आपने अभी देखा होगा बीएसएफ का रिजल्ट जारी हो गया, ट्रेडमैन का, सीआईएसएफ का ट्रेडमैन और एससीएम ड्राइवर का और आपका फायर का, उसका रिजल्ट भी जारी हो गया और उसके पोस्ट पे इंक्रीज किया गया, उसका 1025 सीटें बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दूं कि आपका जो भी वैकेंसी है ऑलरेडी रिजल्ट वगैरह सब रेडी हो गया है और आपका जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जो भर्ती 2020 की है वो काफी पुराना हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल का रिजल्ट ही आने की संभावना है। हालांकि 20 की भर्ती है और 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा साल में रनिंग होने वाला है, लेकिन आपका रिजल्ट अभी डिले हो रहा है। तो लेकिन आप ये इतना सोचे कि आपका वैकेंसी कैंसिल हो गया, आपका वैकेंसी होना है, क्योंकि अगर कैंसिल हो जाता तो आपको 2023 में आपका रिटर्न एग्जाम नहीं कराया जाता है। हालांकि डिले हो रहा है, डिपार्टमेंट की तरफ से डिले हो रहा है, उसका क्या रीजन है, हालांकि हम नहीं, एक कोई भी नहीं बता सकता कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है। हालांकि जब भी दो चार दिन पहले कोई ऐसे साइड पर नोटिस होकर निकल के आता है तो हम क्या जितने भी यूट्यूबर हैं ये सर आपको सब कुछ बता देंगे। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, बस आपको अपना टाइपिंग, अगर एससीएम का भरे हैं तो आपको टाइपिंग, जो भी आपका रनिंग फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए भरा है तो आपका ट्रेड, अपना ट्रेड की तैयारी करते रहे, रनिंग की तैयारी करते रहे, मतलब फिजिकल ए टू जेड आप तैयारी करते रहे। हालांकि इसमें सेलेक्शन ज्यादा होने की चांस इसलिए कि 2020 की वैकेंसी है और 3 साल कंप्लीट हो गया, तो बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो गए होंगे। आपने देखा 2022 में और 23 में भी 50,100 समथिंग प्लस में बच्चे एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले चुके हैं, जिसमें से आपको 46,000 प्लस पे ही भर्ती हुआ था, 5,000 सीट को पोस्टपेंड कर दिया गया था। जो 5,000 सीट है जो आपकी एसएससी जीडी जो 14 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे उसमें वो प्लस करके वो वैकेंसी आएगी। तो आपको ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी विभाग के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल के लिए, चाहे सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए, चाहे एससीएम का, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा। आपको रिजल्ट रेडी हो चुका है, लेकिन कब जारी हो जाए इसको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप बने रहिए। लेकिन आपका जो भी रिलेटेड ट्रेड से है, आप अपना फिजिकल ट्रेड की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आपको बहुत कम ही समय दिया जाएगा आपको फिजिकल तैयारी करने के लिए, आपको ट्रेड तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी लेट चल रही है। और जब भी इसकी रिजल्ट जारी होगा तो इसका वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर कराने के लिए विभाग इसको सोचे, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आ रहा है आपको, तो उसका भी नोडल अफसर सीआरपीएफ ही रहेगी और सीआरपीएफ ही उसका पूरा फिजिकल से लेकर मेडिकल तक सीआरपीएफ ही उसका कार्रवाई करेगी और उसका जो भी वैकेंसी की प्रक्रिया सीआरपीएफ के द्वारा ही कराया जाएगा। एसएससी जीडी सिर्फ आपको एग्जाम कंडक्ट कराती है, बाकी उसके आगे कुछ नहीं करती है। एसएससी जीडी सिर्फ आपको एग्जाम कंडक्ट कराएगी, फॉर्म आपने कितना भरा था, और एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा कि 1 नंबर से 0.00 नंबर से भी बच्चे बहुत छटे हुए हैं। तो आपको वो गलती नहीं करना, आप जहां भी वीक थे अगर आप फर्स्ट रिटर्न में ही छट गए तो आप अपना रिटर्न से तैयारी कर लीजिए, अगर आप फिजिकल में छट गए तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, मेडिकल वगैरह तो आपको पता ही है, अगर जो मेडिकल फिट हुए होंगे उनको पता है मेडिकल में कोई टेंशन नहीं है, तो आप अपना फिजिकल की और रिटर्न की तैयारी भरपूर कीजिए। अभी क्या कॉम्पिटिशन आपकी हार्ड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो बच्चे फॉर्म भरा थे 57,000 प्लस 57 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे थे एसएससी जीडी का, जो 50,000 प्लस पे सीट थी, आपकी का आपको अब बता दे आपकी 84,000 प्लस पे वैकेंसी होने वाला है, तो कंपटीशन आपका और भी हाई होने वाला है। तो बस आपका बार बार जो कमेंट आ रहा था कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल का चाहे ट्रेडमैन का रिजल्ट, तो आप अपना तैयारी पूरा करते रहिए, रिजल्ट आपका कभी इसी महीने में किसी भी डेट को जारी हो सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
बाकी जो भी नया अपडेट मिलता रहेगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। हालांकि यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको यहाँ वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हालांकि जो क्वालिटी डाल रहे थे पहले वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, तो आपको इसी में अभी मैनेज करना पड़ेगा। आपको एक महीना तक ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।